मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। कल बाईपोल का इलेक्शन है, 15 जगह कर्नाटका में इलेक्शन होगा। सबसे अहम इलेक्शन जो है शिवाजी नगर का। आप सभी लोगों से, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप ज़रूर कल वोट दीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे, कोई आपको मिठाई खिलाएगा, कोई लोग कुछ गिफ्ट देगा और ये कहेगा कि आप मुझको वोट दीजिए। ऐसे चीज़ों को, मिठाई खाना है खा लीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वोट उसी को दीजिए जिससे आपको लगता है कि फ़ायदा होगा। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, जब भी कोई जीतता है तो 5 साल के लिए वहाँ बैठता है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा है और जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइएगा, किसी की बात मत सुनिएगा। आपको जो अच्छा लगता है कि जो कैंडिडेट सबसे अच्छा है और रियली आपके लिए इम्पैक्ट करेगा, आपके एरिया को डेवलप करेगा, उसी को दीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर भी हुआ है कि छुट्टी है कल, तो आराम से उठिए और यंगस्टर से अपील है कि जाइए वोट दीजिए और आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के छुट्टी का मज़ा लीजिए। और आपके अगल बगल में आपके जो पड़ोसी बूढ़े हैं और जो उनको कोई नहीं है, उनको भी साथ ले जाइए, उनको भी वोट दिलाइए। एक और ज़रूरी बात, वोट देने के बाद आप बाहर निकलिए, बाहर निकलने के बाद आप एक सेल्फ़ी लीजिए और हम तक भेजिए। हम आपके फ़ोटोग्राफ को अपने चैनल में दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे, ये हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। व्हाट्सएप नंबर है 9620147471। लास्ट मोमेंट में सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज होता है। लोग व्हाट्सएप मैसेजेज भेजते हैं और गलत गलत बातें रिकॉर्ड करके देते हैं। उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको गुमराह किया जाएगा और आपकी सोच को डगमगाने की कोशिश की जाएगी। उस पर ध्यान मत दीजिएगा, दिलों और दिमाग से आप खुद सोचिए और वोट दीजिए। अपील यही है कि प्लीज़ जाइए और वोट दीजिए। थैंक यू सो मच।